एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बड़े मज़े से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक कॉफ़ी मास्क जो है वो बनाने का तरीका शेयर करूँगी। वैसे तो आपने बेतहाशा कॉफ़ी मास्क यूज़ किए होंगे, तरह तरह के यूज़ किए होंगे, लेकिन जो आज मैं आपके साथ कॉफ़ी मास्क बनाने का तरीका शेयर करूँगी ना, आई एम श्योर आपने इस तरीके से यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक कॉफ़ी मास्क जो है ना आपके स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स को एक साथ हल कर देगा। किसी मिरेकल से कम नहीं है ये फेस मास्क। ये जो कॉफ़ी मास्क आपको इस टाइम मेरे हाथ में जो नज़र आ रहा है ना, ये कॉफ़ी मास्क जो है आपके, सबसे पहले तो ये आपके कलर को ब्राइट करेगा, लाइट करेगा, डलनेस को ख़त्म करेगा, और आपके फेस पर अगर टैनिंग है, टैनिंग को भी ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ पिगमेंटेशन स्कार्स इनको लाइट करेगा, आपके फेस पर नेचुरल ग्लो लेकर आएगा। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके फेस पर एक ग्लो आ गया है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, फर्म करेगा, मीन्स ये कि आपकी स्किन को टाइटनेस प्रोवाइड करेगा, है ना। मेडिकल फेस मास्क एक साथ आपके स्किन के कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर ये वर्क करेगा, तो इस मिरेकल और मैजिकल फेस मास्क को हमने कैसे बनाना है, जल्दी से देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप स्किप नहीं हो सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से बना लेते हैं हम इस फेस मास्क को। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले जी आपको चाहिए एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बाउल, ठीक है जी। उसमें आपने ऐड कर देनी है जी कॉफ़ी। यहाँ पर मैंने लिया है जी कॉफ़ी का साशे, आप चाहें तो यहाँ पर कॉफ़ी भी वैसे भी ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा साशे हम इसमें ऐड कर देंगे, और कॉफ़ी हमारी स्किन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका इसमें हल मौजूद ना, चाहे वो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, टैनिंग, पिगमेंटेशन स्कार, या आपके फेस को टाइटनेस प्रोवाइड क्यों ना करनी हो, फर्म करना हो, उन सब का हल इस कॉफ़ी में मौजूद है जी। तो ये तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी 1 टेबलस्पून एक चम्मच भर के, ठीक है जी, जो कि एक साशे के अंदर तकरीबन इतनी थी। अब जी इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट क्या जी, ये मेरे पास है जी शुगर। ये मैंने चीनी ली थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर आपने बना लेना है शुगर का, ठीक है जी। वो इसमें मैंने ऐड कर दी है जी 1 टीस्पून, ठीक है जी। शुगर हमारी स्किन के लिए इतनी अच्छी है कि हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, और हमारे फेस को पर ऐसा ग्लो और शाइन लेकर आती है कि मैं कहती हूँ कि जी हाइलाइटर क्या चीज़ है, आप हाइलाइटर लगाना जो है वो छोड़ देंगे, इस तरह का नेचुरल ग्लो आपके पास आ जाएगा। शुगर इस तरह का ग्लो और शाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। वो उसका हमने ऐड कर दिया इसमें 1 टीस्पून। अब जी इसमें हम ऐड करेंगे जी मैदा, जो कि मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी 1 टीस्पून, और मैदा भी आपके कलर को ब्राइट करता है, ठीक है जी। अब हम इसमें हम ऐड करेंगे क्या जी, अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास यहाँ पर है ये जी फटकड़ी का पाउडर एलम। तो जी ये पाउडर मैंने कैसे बनाया है, इसकी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है फटकड़ी की, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, आप देख लें ये वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें ये पाउडर मैंने कैसे बनाया है। और फटकड़ी के तो इतने बेतहाशा फ़ायदे हैं कि मैं क्या क्या इसके फ़ायदे बताऊँ। तो यहाँ पर जी इस फेस पैक में मैं यूज़ कर रही हूँ जी फटकड़ी के पाउडर का 1 चुटकी मैंने ऐड कर दी, ठीक है जी, इतनी ही काफ़ी है, इतना ही ये बड़ा कमाल दिखा देगी फटकड़ी। तो जी अब ये मैंने 1 चुटकी इसमें ऐड कर दी है जी फटकड़ी का पाउडर, और अब इसमें हम ऐड करेंगे जी नेक्स्ट शहद, हनी। शहद जो होता है ये हमारी स्किन के लिए भी, आपकी स्किन को लाइट करता है, आपके स्कार्स को ख़त्म करता है, और आपकी स्किन से एजिंग साइंस को दूर करता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टीस्पून हनी जो है वो ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जी मिल्क मिक्सिंग के लिए, ठीक है जी। दूध आपने ले लेना है, इतना ऐड करना है कि एक अच्छा सा फेस मास्क जो हमारा तैयार हो जाए। अच्छा जी, अगर जिनकी स्किन यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ बहुत ही ऑयली है, वो यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर लें, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले जो है वो मिल्क यूज़ कर लें। आपने इसमें ऐड करके एक अच्छा सा यहाँ पर इसका फेस मास्क जो है वो तैयार कर लेना है। जरूरत पड़ी तो हम मिल्क और भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अभी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और हमारा शानदार किस्म का एक बहुत ही मज़े का जो है वो एक मिरेकल फेस मास्क जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से क्या इसका कलर आया है, और क्या इसका टेक्सचर आया है, और रिजल्ट भी माशाल्लाह से आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। चलें जी, मास्क तो बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई।
इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पर। आपने इस फेस मास्क को जो है अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप ये फेस मास्क चाहें तो अपने हाथों पे और पाँव पर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब इस फेस मास्क को लगा के आपने छोड़ देना है जी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आ जाना है जी वॉशरूम में और अपने हाथों को गीला करना है आपने, ठीक है जी। और अपने गीले हाथों के साथ आपने अपने फेस पर हल्के हल्के हाथों से, जैसे हम क्लिंजिंग करते हैं, आपने क्लिंजिंग करनी है, ठीक है, मसाज करना, ठीक है, और जोर जोर से नहीं, हल्के हल्के हाथों से, ठीक है जी। 3 से 4 मिनट तक आपने हल्के हल्के हाथों से, इस तरह से जैसे हम क्लिंजिंग करते हैं, मसाज करते हैं, आपने करना। उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से जो अपने फेस को वॉश कर लेना है, और जैसे ही आप वॉश करके हटेंगे आप खुद देखेंगे एक वाज़ह डिफरेंस कि आप देखेंगे आपके फेस पर एक ग्लो आ चुका होगा, आपका कलर आपको पहले से ब्राइट लग रहा होगा, और पहली दफ़ा में ही आपको उसके रिजल्ट जो है वो फील हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस मास्क है, ज़रूर ट्राई करें। और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त अब, और आप ट्राई करें इस फेस मास्क को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।